पीपल फार्म शुरू करने से कुछ समय पहले मेरा एक फ्रेंड है, उसका बच्चा पैदा हुआ। तो भाई उस लड़के ने बच्चा पैदा होते ही अपनी डेथ की पूरी प्लानिंग कर ली कि भगवान ना करे कि हस्बैंड वाइफ दोनों ख़त्म हो जाते हैं तो बच्चा अपनी मासी के पास जाएगा। तो मुझे ये बात बड़ी समझदारी की लगी। पीपल फार्म जब शुरू हुआ तो मुझे भी लगा कि भाई मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरे ख़त्म होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंटली चलती रहे, कि जो जानवर हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो बेघर ना हो जाएं। क्योंकि देखिए, लोग अपनी जब डेथ की प्लानिंग करते हैं ना, तो एसेट्स का तो फिर भी सोच लेते हैं कि भाई एक बेसिक लिस्ट हो जिसमें FDs और लॉकर और ये सारी चीज़ें लिस्टेड हो कि कहाँ कहाँ आपके बैंक का खाता है। पर लायबिलिटीज़ का लोग इतना नहीं सोचते। मुझे लगता है खासकर जो एनिमल रेस्क्यूअर्स हैं, जिन्होंने इतने इतने एनिमल्स अडॉप्ट कर रखे हैं, चाहे घर पे चाहे शेल्टर में, उन्हें सोचना चाहिए कि भाई उन्हें कुछ हो जाता है तो वो सारे जानवर बेघर हो जाएंगे। पर मुझे लगता है प्रॉब्लम ये है कि हम डेथ के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, और किसी से बात भी करो तो वो सीधा कहता है अरे आप ऐसी बात ना करो, देखिए मौत बता के नहीं आती, एंड वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। साहिल ने भी आगे बताया कि डेहरा से कोई डॉग आया जिसको गोली लगी है। अब लगी क्या है, मतलब किसी ने मारी है, मैं जाऊंगा तो ही माजरा समझ में आएगा कि है क्या। एक्सरे अगर हो जाएगा तो उससे कंफर्म हो जाएगा बुलेट है कहाँ पे, किस लोकेशन पे। तो ऐसे ही छोड़ रखा है किसी ने, छोड़ दिया सर, ये तो मरने की हालत में। और छोड़ने के बाद गोली लगी है इसको, पहले लगी थी इसीलिए छोड़ दिया शायद। हमें भी डर लगा जैसे देखने पकड़ने में कि पत्नी खाने पड़ जाए कुछ। सभी मुझसे दुखी रहते हैं एनिमल एरिया में, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं, मेरे को अंदर से कोसते रहते हैं कि शाइनी कैमरा क्यों लेके आ गई है ना दादी। शाइनी आती है तो शाइन आ जाती है। क्या बात है, ये तो प्लीज रखना वेनू। ये शाइनी है, ये तेंजिन है, ये चार्ली है, रविंदर, और हम जा रहे हैं मिलने मैक्सी से, बिकॉज फाइनली अब मैक्सी कल्पना जी के यहाँ जा रही है फॉस्टर होने। मैक्सी नहीं, पहले हम टैक्सी से मिल लेते हैं। चलिए मैक्सी नहीं, टैक्सी से मिल लेते हैं। टैक्सी भी रिलीज हो रही है। हे टैक्सी, इसको रिफ्लेक्टिव कॉलर पहना दिया गया है। आई डोंट नो, आई कांट बी हैप्पी जब भी कोई गाय जा रही होती है, इसलिए मैं शाइनी को लाया हूँ यहाँ पे। शाइनी इज आर हैप्पी पर्सन। इतनी छोटी सी गाय है ये। रविंद्र कितने साल की होगी यार ये? डेढ़ साल की। गहने को गाय है तो बेचारी बच्ची है। हे वो तो उसको है कि भैया तुम रिलीज कर रहे हो मुझे, तुम क्या प्यार दिखा रहे हो नकली। टैक्सी को सर पे लगी थी, वी आर नॉट श्योर, उसका एक सींग टूटा हुआ था और मैगेट वुंड था उसको यहाँ पे। इट कुड हैव बीन ह्यूमन क्रुएल्टी, एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है, आपस में भी ये लोग लड़ते हैं। लेकिन इसका वुंड अब काफी अच्छे से हील हो गया है। देखिए ना, काफी हेल्दी पिंक टिश्यू आ गया है, रॉ नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अगर जरा सा भी रॉ हो ना तो हम इनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक दिन भी अर्ली छोड़ दिया फिर मक्खियों ने बैठ के अंडे दे देने, मैगेट बन जाएंगे और फिर सिचुएशन वहीं की वहीं पहुंच जाएगी। हे मैक्सी, ये शाइनी की आवाज आप सुना करो किसी भी डॉग के आसपास। तो तुम टैक्सी के लिए तो ऐसी आवाज नहीं निकली तुम्हारे गले से। नहीं, मैंने बोला था बाय टैक्सी, सब देख रहे हैं, बेटी जी, चार्ली। अब आप देखो, लोग कहते हैं कि आप एनिमल रिलीज क्यों करते हो, हम 2500 से ऊपर एनिमल्स की हेल्प कर चुके हैं। 2500 के 2500 एनिमल्स हमने रिलीज ना किए होते तो मतलब पता नहीं हम कहाँ रह रहे होते। मैं ईमानदारी से बताऊं तो मेरा मैक्सी से कोई खासा इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो हमारा कोई रिश्ता है नहीं, सिवाय जो मानवता का रिश्ता वैसे होता है भाई एक दूसरे से। चार्ल्स, चार्ली को खतरा नहीं है, चार्ली काटता नहीं है, चार्ली इज नॉट चरणदास। आजकल जहाँ ज्योति वहीं बेटी जी। हे तुम इसको अपने कमरे में ले जाया करो रात को। अभी अभी रवीना ने बताया है कि कोई ना चिकन लेके आया है। उन्होंने रेस्क्यू किया था इसको वही स्लॉटर हाउस से। उन्होंने कोशिश की काफी रखने की, लेकिन मतलब बेटर एनवायरनमेंट मिल पाए इसलिए उन्होंने उसको यहाँ पे भेजा। ये अब हमारे उनके साथ रहेगा बाहर, जो अमरप्रीत, अकबर और एंथनी। अभी यही रखेंगे क्लिनिक में, क्योंकि पहले इंट्रोडक्शन कराना होगा, सेटल हो जाए एक बार, उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे। तू कहाँ टंगी जा रही है यहाँ पे? या खाली ब्रीड के पीछे जा रहे हैं, और कई बार लोग शायद पपीज क्यूट हैं इस चक्कर में, मेनली उसी लिए होता है, तभी तो हमारे लिए पपीज के लिए तुरंत इतनी सारी कॉल्स आई। और जो जैसे टिम्सी थी उसको कितना टाइम लगा घर ढूंढने में उसके लिए। तो कुछ ऐसा है क्या कि बूढ़ों के लिए या फीमेल्स के लिए थोड़ी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है? काफी ज्यादा है एक्चुअली, फीमेल्स के लिए, बूढ़ों के लिए है ही है। तो समाज वाला हाल ये सेम। आपके साथ कभी कोई नाराज हुआ की
मैडम आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने खुल के तो कभी ऐसा नहीं बोला, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की टोन से लग जाता है कि यार हम अपने घर की वीडियो क्यों भेजे तुम्हें। भाई क्योंकि होता क्या है कि जब बाउंड्री वॉल नहीं होती कुत्ते भाग जाते हैं, कई बार पड़ोसी मारते हैं, कई बार गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम इतनी मेहनत करके डॉग्स को ठीक करते हैं, इसलिए थोड़ा कि भाई उन्हें हमें फेंक देना है। पर लोगों की नाराजगी पता है क्या है कि भाई जिस देश में लोग अपनी लड़कियां ब्याहने के लिए दहेज देते हैं, पैसा देते हैं, उसमें तुम कुत्तों के लिए इंटरव्यू ले रहे हो। आज मैक्सी भी जा रही है फॉस्टर होने कल्पना जी के पास, और ये अभी मेरे ऊपर जंप कर रही थी। हाय स्वीटी। तो मैक्सी आई थी बरनाला से हमारे पास, कल्पना जी ने एक्चुअली इसके लिए फोन किया था हमें। इसको एक स्किन कंडीशन थी और इसने खुजा खुजा के बहुत घाव भी कर दिए थे अपने बॉडी पे, और इसका खून भी आता था। मैक्सी की अभी 2 हफ्ते की ट्रीटमेंट और बाकी है। ट्रीटमेंट में ये कि उसको खाली मेडिकेटेड बाथ की ज़रूरत है, तो 2 हफ्ते कल्पना जी के घर पे उस चीज़ का ध्यान रखा जा सकता है ताकि हम मैक्सी की जगह और रेस्क्यूज ला सकें। और 2 हफ्ते के बाद मैक्सी आएगी वापस अपनी स्पेस सर्जरी के लिए, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि ये अडॉप्ट हो जाए। अगर ये अडॉप्ट हुई तो बहुत अच्छा, अगर ये अडॉप्ट नहीं हुई तो फिर हमें इसे रिलीज करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी फ्रेंडली है एंड शी डिजर्व्स अ होम। अभी जे मुझे यहाँ ग्रीन हाउस का टूर देने लेके आया है। हमारे यहाँ टमाटर लगे हैं, आपको याद होगा अगर आप पहले से हमें फॉलो कर रहे हैं, हमने पिछले साल एक वीडियो बनाया था आहा टमाटर बड़े मजेदार। हमारे साथ होता क्या है, हम हर बारी बड़े सारे लगा देते हैं और जंगल सा बन जाता है। और ये कोई हाइब्रिड टमाटर नहीं है, ये जो है जस्ट एक डिफरेंट वैरायटी है। आई थिंक वो बीफ स्टेक टमाटो है, अनफॉर्चुनेट नाम है, पर ये टमाटर काफ़ी बड़ा है। जे तुमने कोई पेस्ट रिपेलेंट या ऐसा कुछ डाला है क्या? जी, जी, वो हमारे पास जो कावेरन होता है उसके अंदर हम 3-4 तरीके की जो यहाँ पे वीड्स मिलते हैं उसके अंदर डाल देते हैं, सो दैट जो स्मेल होती है देन वी स्प्रे इट। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पेड़ कौन सा, जस्ट टू कंफ्यूज देम। जे इंसेक्ट्स को कंफ्यूज करने में लगा। अब वाह जी, सॉरी मैं मुँह मकड़ी का जाला आ गया ना, मैं बोल भी नहीं पा रहा। आपको पता है टमाटरों के बीच में खासकर गेंदे के पौधे लगाए जाते हैं ताकि मकड़ियाँ उस पर जाला बनाएं और पेस्ट कंट्रोल हो जाए। और इसके अलावा हमने ओरेगानो, रोजमेरी, जो चीज़ें पानी में ख़राब हो जाती हैं वो दूसरे ग्रीन हाउसेज में लगाई हैं। गर्मी काफ़ी बढ़ गई थी तो हमने अपने सारे एनिमल एरियाज में जहाँ जहाँ हमारे एनिमल्स जाते हैं वहाँ पे हमने शेड लगाया है। तो ये हमारा प्ले एरिया जैसे आप जानते हैं, शर्मीली है हमारे साथ। शर्मीली कम हियर, कम ऑन, यस। और ये सारी इंस्ट्रक्शंस जानती है, गो। शर्मीली जो है वो पूरी तरीके से हाउस ट्रेंड है और ये बहुत प्यारी डॉग है, तो आप चाहे तो इसे अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना। कल रात को काफी तूफान आया है, काफी हमारी डालियां वगैरह टूट गई हैं। चलो जलाने को लकड़ी हमारे पास काफी हो गई, 3 वीन भी हिल गए हैं, इनफैक्ट सोलर पैनल भी हमारे थोड़े खिसक गए हैं। अब तो आज तो सारा सुबह जो है यही क्लीन अप में ही लगा है कि सोलर पैनल एडजस्ट हो रहे हैं, लाइट भी नहीं है, तो हमारे जो छोटे सोलर पैनल हैं उससे हम फोन वगैरह चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। यार हम लोग तो फिर भी बहुत लकी हैं, हम बहुत सेटअप है, हमारी बड़ी टीम है, हमारे पास पावर बैकअप है, जनरेटर है, तो हम फिर भी थोड़ा बहुत आसानी से सब चीज़ें झेल जाते हैं। पर जैसे और रेस्क्यूअर्स हैं, अमनप्रीत जी और सिमरन जो उनकी बेटी है, उनका वीडियो हमने डाला, अब उनकी शीटें उड़ जाती है, तूफान में नुकसान होता है, बिजली चली गई 4 दिन, कैसे काम करें। दीपाल आए रोडू में है, अकेली है, वहाँ बर्फ़ गिर जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, कैसे मैनेज करें। तो इसलिए ना बहुत से एनिमल रेस्क्यूअर्स बिटर भी हो जाते हैं भाई, एक तो लोगों से डील करना, लोग तो इतनी बात पे लड़ना शुरू हो जाते हैं कि खाना क्यों डाला कुत्ते को, फिर लोग उनकी सपोर्ट में नहीं आते तो बंदा एक मायूस हो जाता है। फिर उसके बाद जो कई एनिमल लवर्स होते हैं, बजाय कि वो मदद करें, वो रेस्क्यूअर्स और नॉन प्रॉफिट्स पर दबाव डालना शुरू हो जाते हैं, भाई आपकी जिम्मेदारी है। नहीं भाई, लोग अपनी मन से रेस्क्यूज कर रहे हैं, उन पर आप दबाव तो मत डालिए ना ऐसे। तो इसीलिए तो फिर कई बार लोग बर्न आउट होके एनिमल रेस्क्यू छोड़ भी देते हैं। डिंपल एक सेकेंड ये दिखाओगे पतीले में क्या उगल रहा है? ये हमारे सारे खेत के टमाटर हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इनको उबाल के प्यूरी बना के अपने डीप फ्रीज कर देते हैं और हम वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। क्योंकि हमारा बड़ा सारा स्टाफ छुट्टी पे है कोविड की वजह से, तो ऐसा भी नहीं है कि हम काट काट के सन ड्राई अभी कर सकते हैं। और मीनाक्षी जी ने तो मेरे ख्याल से जो अंबियां कल गिरी हैं तूफान में उसकी भी सब्जी बना दी है, उसकी चटनी बनाई है, चटनी बना दी है। ये हमारे जो बड़े बड़े टमाटर हैं इनको हम काट के सन ड्राई करेंगे। ये है हमारे फार्म मैनेजर साहब। कितने टमाटर उतार दिए तुमने इस सीजन में? अभी तक 20-25 किलो उतारे। गलत कर रहे, गलत कर रहे, एटलीस्ट होंगे 30-40 भी हो सकते हैं। आज मैं लेट उठाऊँ
तो रात को लेट सोया मैं, थोड़ा मूड भी ऐसे ही था, पर सुबह उठते ही यूट्यूब पर बड़ा अच्छा कमेंट पड़ा तो मेरा मूड ठीक हो गया। आज रवीना है ना, आई थिंक छुट्टी पे है या वर्क फ्रॉम होम है उसका, और इसीलिए मीडिया ऑफिस खाली पड़ा है। हमारे चारों वीडियो वाले यहाँ पे हैं, तो चार लोग लगते हैं एक डॉग का फुटेज लेने को। नहीं नहीं, अलग अलग काम है। सुने, आपका क्या काम है वेनु? मैं भी कैमरा लेने के लिए आया, शिवानी के साथ शूट कर रहा है। और तुम्हारे पास तो इक्विपमेंट भी नहीं है। वाह, अच्छा तुम कैमरा देने आए हुए हो। और चेतन ने मैक्सी के फुटेजेस लेने थे। अच्छा, और तुम ट्रीटमेंट? क्या ट्रीटमेंट, किसका? तुम्हें नाम तो पता नहीं एनिमल का? दिन चीजें तो और भी बहुत सी होती हैं, पर हाईलाइट सिर्फ यही थी। खैर, एक बात मैं आपसे करना चाह रहा था। आप में से बहुत से लोग हमें कहते हैं कि भाई राजस्थान आइए, मध्य प्रदेश आइए, हरियाणा आइए, यहाँ पे पीपल फार्म खोलिए, हम आपको जगह देंगे। देखिए, हमारी आइडियोलॉजी थोड़ी फ़र्क थी। हमें यह कि भाई पीपल के पेड़ की तरह हम बढ़ेंगे, फैलेंगे, पर फिर भी एक हमारा सीमित दायरा रहेगा। लेकिन जैसे पीपल के पेड़ के फल कहीं भी जाके गिरते हैं, वहाँ पे और पीपल निकलते हैं, तो इसी तरह कई लोग हमसे प्रेरणा लेके जानवरों की मदद कर रहे हैं, कई लोग पहले से करते हैं। तो आप ऐसे लोगों को अपने इलाके में खोजिए, उन्हें संसाधन दीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए, उनके साथ जुड़ के ये काम और करिए। तो हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, फ्रेंड्स ऑफ पीपल फार्म, वहाँ पे भी आप ऐसे बहुत से लोगों से जुड़ सकते हैं। और आप वहाँ पे पूछ सकते हैं कि भाई मैं भोपाल में हूँ, यहाँ पे कोई एनिमल रेस्क्यू करता है या निकटतम कौन है। तो प्लीज़ अगेन, आप उन लोगों की मदद करिए। थैंक यू, बाय।